आज हमारा डे टू शुरू हो रहा है हम्पी का, और हम लोग अभी हनुमान मंदिर जाएंगे जो पहाड़ के ऊपर में है, और उसके बाद दुर्गा माता टेम्पल जाएंगे, और एक टेम्पल है यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे। वो तीनों का आज फर्स्ट हाफ का टारगेट है हमारा, उसके बाद देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या किया जा सकता है। सेकेंड हाफ में अगर टाइम मिलता है तो देखेंगे, और आसपास में अगर कुछ एक्सप्लोर करने का होगा या आसपास के जो पहाड़ है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डे टू ऑफ हम्पी टूर, बने रहिए हमारे साथ में वीडियो में आगे, ताकि आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर सके दुर्गा माता टेम्पल और हनुमान जी का टेम्पल। ये रास्ता वही रास्ता है जिसमें कल दोपहर में हम लोग आए थे। नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, दोनों तरफ पहाड़ियाँ, मतलब दोनों तरफ एक साइड में पहाड़ियाँ पूरे चट्टानों से भरा हुआ, दूसरे तरफ लहलाते हरे भरे खेत हैं। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है यहाँ पे, रिलैक्सिंग मूड है एकदम यहाँ पे। और यहाँ का माहौल कल जो हम लोग ऑब्जर्व किए शाम में, वो काफ़ी हद तक गोवा जैसा है। यहाँ पे लोग स्कूटी बाइक रेंट करके घूमते हैं ज़्यादातर, वही ज़्यादा इंजॉयमेंट का यहाँ पे है। अभी हम लोग पहुंच गए हनुमान जी का मंदिर, नीचे में है, अभी सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, ऊपर जाके फिर वहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे दुर्गा माता टेम्पल में। तो मिलते हैं आपको सीढ़ी पे। अभी हम लोग हनुमान जी के मंदिर के गेट पे हैं, यहाँ से हमें अभी स्टेप्स चढ़ के ऊपर तक जाना है। तो अभी हम लोग सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं अपना यहाँ से ऊपर तक जाने के लिए। वहाँ ऊपर में टेम्पल है, देख सकते हैं आप लोग, तो उतने ऊपर तक हमें जाना है स्टेप्स चढ़ चढ़ के। तो हम लोग बीच बीच में दिखाते रहेंगे स्टेप्स कैसा है, बाकी चढ़ना तो है तभी जाके दर्शन हो पाएगा भगवान का। अभी हम लोग 100+ स्टेप में पहुंच गए हैं, और हमारा लड़का काफ़ी तेज़ी से जा रहा है, वो तो लगता है 150 या 200 तक चला गया है। ये हमारा साहब ज़्यादा रुक गए हैं 150 स्टेप्स के पास, फिर वो जोश में आके वापस चलने लगे। 500+ स्टेप्स हैं, ऊपर तक जाके बताते कैसे। ये ऊपर से हम्पी का जो सानापुर एरिया है उसका नज़ारा देख सकते हैं आप, नदी भी दिख रहा है यहाँ से। हरा हरा खेत दिख रहा है, पहाड़ बोल्डर से भरा पहाड़ दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। अब हम लोग 200 सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं, अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है, उसके बाद जाके हम लोग मंदिर तक पहुंच पाएंगे। अभी हम लोगों ने 300 स्टेप्स कंप्लीट किया है, 300 के बाद और रह गया 200 या 250 लगभग। अभी उतर रहे हैं और हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। जितना ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं उतना ही नज़ारा और खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ से नदी पूरा साफ दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता जा रहा है। लोग और ऊपर पहुँच के आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी ठंडा है, केव्स के अंदर से जा रहे हैं हम लोग। टोटल 575+ स्टेप्स हैं, अभी थोड़ा सीधा चढ़ाई है इसीलिए ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, बाकी नीचे तो स्लैंड्स ज़्यादा था, तो आराम से चढ़ रहे थे। अभी तो स्लैंडिंग ज़्यादा है। और ये हम लोग पहुँच गए मंदिर पे, ये मंदिर है। और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से हम लोग नीचे का व्यू देख सकते हैं। और ये मंदिर है, दाड़ा दाड़ा देखो देखो, इधर से एग्जिट है उधर से एंट्री है। हम लोग एग्जिट के साइड में आ गए हैं।
और इधर देख सकते हैं नारियल फोल के उसका छिलका रखा हुआ है, लोग नारियल निकाल रहे प्रसाद बनाने के लिए। और इधर से एंट्री है मंदिर का, तो हम लोग पहले मंदिर में नारियल चढ़ा के आएंगे, उसके बाद जाके व्यू पॉइंट देखेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ऊपर फैलो ना, जल्द ऊपर दिखे करो, ऊपर दिखे करो। हाँ बाबू के खाई था ऊपर, बाबू खाई था पहले तो तुम खाई था। हाँ करो दीदा, जय श्री राम। यदि कैसे खाई था मंदिर के अंदर में भगवान श्री हनुमान जी का जो जन्म तिथि और ये कब जन्म हुआ था उनका और उन्होंने क्या क्या किया था ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह सूर्य भगवान को ये खाने के लिए गए थे, उसके बाद किस तरह से भगवान श्री राम यहाँ आए थे, किस तरह से सबरी माता के बैर खाए थे, सब यहाँ पे चित्र के माध्यम से पूरा विस्तृत जानकारी दिया गया है। किस तरह से भगवान श्री राम के साथ हनुमान जी का मिलन हुआ था और बाकी जो भी घटना हुआ था यहाँ पे सब यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ है। सीता माता को लेके जाता हुआ रावण और बाकी जितने भी है यहाँ पे पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप लोग इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, विज़िट करें, यहाँ का आनंद लें और यहाँ एक अद्भुत शांति का भी अनुभूति लें। और हम लोग का हनुमान जी का मंदिर का दर्शन समाप्त हो चुका है, अभी हम लोग धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। ये देख सकते हैं छोटा मोटा गुफा है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, 575 सीढ़ी है टोटल। आने का कोई चार्ज नहीं, जाने का कोई चार्ज नहीं। धीरे धीरे यहाँ से उतरना है सिर को बचाते हुए। चलिए अब जाके नीचे मिलते हैं आप लोग से,
नीचे जाके गाड़ी में दूसरा मंदिर जाना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में कैसे दुकान वकान भी लगा हुआ है। यहाँ पे पूजा का सब सामग्री मिल रहा है, चश्मा वगैरह मिल रहा है, गन्ना का जूस मिल रहा है, नारियल पानी मिल रहा है। आप कुछ भी यहाँ से लेके जा सकते हैं, पी सकते हैं ताकि आपका थकावट दूर हो सके। हम लोग अभी नीचे उतर के यहाँ पे गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग सेकेंड टूरिस्ट स्पॉट में आए हैं, दुर्गा माता टेम्पल, जो कि यहाँ से करीब 50 स्टेप्स या 100 स्टेप्स कुछ है पैदल चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें दुर्गा माता जी का दर्शन होगा। तो पहला हमने आज देखा है भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर, और दूसरा अभी जा रहा है दुर्गा माता मंदिर। इसके बाद एक चिंतामणि मंदिर है, वहाँ भी जाना है, उसके बाद फिर वापस होटल पे जाना है। और उससे पहले हमें एक एटीएम का भी तलाश करना है ताकि कुछ कैश हम लोग उठा सकें, क्योंकि इधर ज़्यादातर जगह में कार्ड चल नहीं रहा है तो कैश का ज़रूरत है, इसीलिए पहले एक एटीएम का भी हमें तलाश करना है। चलिए अभी मिलते हैं मंदिर पर जाके। तो ये हम लोग आ गए दुर्गा माता मंदिर में, और ये मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे 3 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड और भालू आते हैं, तो 3 बजे के अंदर ही आपको दर्शन वगैरह कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गुफा भी है, जय श्री श्री राम और ओम लिखा हुआ है, गुफा है पूरा अंदर जाने के लिए। अब इधर तो कोई जा नहीं रहा है, पता नहीं क्या है इसके अंदर में, लेकिन गुफा तो बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी हम लोग दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे चिंतामणि टेम्पल पे। बाकी यहाँ का लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आ रहा, कन्नड़ में लिखा हुआ है इसीलिए उतना कुछ समझ में आ नहीं रहा है। बाकी यहाँ एक दो दुकान भी हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, और एक गौ माता भी है जिसको लोग वह घास खिला रहे हैं। तो अभी दर्शन कम्प्लीट करके फिर हम लोग आगे जाएंगे ना। हम लोग का जो दुर्गा माता टेम्पल का विजिट था वो ख़त्म हो गया, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं। नीचे उतर के और देखेंगे आगे क्या है, चिंतामणि टेम्पल कहीं पे है वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर जो है आगे का सफ़र जारी रहेगा, देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं।